देश का एक्स होम मिनिस्टर और एक्स पीएम एक डूबती हुई किंग फिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए उसके ओनर विजय माल्या को SBI से 1,600 करोड़ रुपए का लोन दिलाने में मदद करते हैं। बॉलीवुड की नामचीन हीरोइनें अपने डेब्यू मूवी में आने से पहले उसके कैलेंडर पर प्रिंट हो चुकी हैं। बचपन से अपने मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए इस व्यक्ति ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस को मिसयूज करते हुए इस देश के टैक्स पेयर को हजारों करोड़ों का चूना लगा दिया। एक आम आदमी अगर बैंक का लोन न चुका पाए तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी नीलाम कर देता है, लेकिन जब कोई अमीर और सिस्टम का खासम खास आदमी लोन लेता है और चुका नहीं पाता तो बैंक के ही नीलाम होने की नौबत आ जाती है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में विजय माल्या केस की इनसाइड स्टोरी। लिकर का बिजनेस विजय माल्या को विरासत में मिला था। उसके फादर विट्ठल माल्या इस खेल के पुराने खिलाड़ी थे। कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजों के जमाने से, जब साल 1915 में अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को बियर सर्व करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी बियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश की थी। आगे चलकर थॉमस नाम के एक व्यक्ति ने इन तमाम यूनिट्स को मिलाकर एक कर दिया। इसका नाम था यूनाइटेड ब्रूवीव्स ग्रुप। इसी समय में विट्ठल माल्या दून स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। विट्ठल माल्या एक पढ़े लिखे और समझदार व्यापारी खानदान से थे। वो इसके पहले भी शराब के बिजनेस में अपना पैसा लगा चुके थे। उन्होंने इस बिजनेस की बैलेंस शीट भी चेक की थी। फाइनली विट्ठल माल्या ने UB ग्रुप के शेयर खरीदना शुरू कर दिया। उस दौर में कोई भी दूसरा व्यक्ति इस कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन विट्ठल माल्या धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर खरीद कर अपने पास इकट्ठा करते जा रहे थे। वो आने वाले कई सालों तक इस कंपनी के शेयर खरीदने रहते और एक समय ऐसा आता कि उनके पास इस कंपनी के सबसे अधिक शेयर हो जाते हैं। आने वाले 32 ईयर तक वो कंपनी सरवाइव करती है और इसके शेयर भी बिकते रहते हैं। साल 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अंग्रेज भी इंडिया को छोड़कर जाने लगे। तब उन्होंने इस कंपनी के सारे अधिकार विट्ठल माल्या को दे दिए, क्योंकि विट्ठल माल्या उस समय तक कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका था। पहले इस कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है और फिर आगे चलकर यही इस कंपनी का चेयरपर्सन बन जाता है। विट्ठल माल्या के डायरेक्शन में यह कंपनी तरक्की करने लगती है। आगे चलकर केवल 4 सालों में ही ये जैसी मैकडोनाल्ड कंपनी को भी ओवरटेक कर देती है। इसके अलावा दूसरी अन्य कंपनियों को भी यूबी ग्रुप अपने में मर्ज कर लेती है। श्री विट्ठल माल्या आगे चलकर ललिता रामानी से शादी कर लेते हैं और 18 दिसंबर 1955 में इन दोनों के घर एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है विजय। विट्ठल माल्या आगे चलकर 2 और शादियां करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पूरे बिजनेस एम्पायर का इकलौता मालिक उनका बेटा विजय ही होता है। विजय माल्या का बचपन काफी लग्जूरियस रहा है। इन्हें खेलने के लिए बैटरी से चलने वाली कार मिली थी। जब ये सेंट जेवियर कॉलेज में पहुंचे तो इन्हें कॉलेज जाने के लिए स्टैंडर्ड हेराल्ड कार मिली, जिसका साइलेंसर इन्होंने जानबूझकर निकलवा दिया था ताकि जब भी ये कॉलेज में एंट्री मारे तो सारा का सारा कॉलेज समझ जाए कि विजय माल्या कॉलेज आ चुका है। बदलते वक्त के साथ विट्ठल माल्या का बिजनेस अपनी ऊंचाइयों पर बढ़ रहा था। शराब के धंधे में अभी भी ऐसी गुंजाइश थी जहां विट्ठल माल्या को काम करना था। उसी समय भारत में विदेश के इम्पोर्ट करके भी शराब लाकर बेची जाती थी। कंपनियों से कॉन्टेक्ट किया जो शराब भारत में भेजती थी। उसने उन्हें ऑफर दिया कि आप भारत में ही सप्लाई कीजिए। कंपनियों को यह प्रपोजल पसंद आया। इसके बाद विदेशी शराब भी भारत में ही बनने लगी। इस तरह की शराब को IMFL कहा गया, यानी इंडिया मेड फॉरेन लिकर। आज भी ये बनने वाली फॉरेन शराब की बोतलों पर IMFL लिखा हुआ होता है। आगे चलकर विजय माल्या अपने देश में कॉलेज की पढ़ाई कर चुके थे। विट्ठल माल्या ने अपने बेटे को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना शुरू किया और उन्हें इसके लिए ट्रेंड करना भी शुरू किया। आगे की हायर स्टडी के लिए विट्ठल माल्या ने अपने बेटे विजय माल्या को साल 1970 में अमेरिका के कैलिफोर्निया भेज दिया। यहां से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से विजय माल्या ने बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की भी पढ़ाई की। यूबी ग्रुप की एक ब्रांच अमेरिका में मौजूद थी जिसे अमेरिकन हॉक्स कॉरपोरेशन कहा जाता था। विट्ठल माल्या ने अपने बेटे विजय माल्या को इसी ग्रुप में इंटर्नशिप कराना शुरू कर दिया। US में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद विजय माल्या जब इंडिया आए तो उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को धीरे धीरे ऑब्जर्व करना और उसे संभालना शुरू कर दिया। उन्होंने फॉरेन में जो भी कुछ सीखा था उसे यहाँ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। पहले कंपनी के एम्प्लॉय सीधे विट्ठल माल्या के कॉन्टेक्ट में रहते थे और उन्हीं को रिपोर्ट करते थे, लेकिन विजय माल्या ने कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बनाई। अब कंपनी के लोग पहले विजय माल्या और मिस्टर श्रीनिवासन को रिपोर्ट करते थे और फिर ये दोनों विट्ठल माल्या को रिपोर्ट करते थे। विजय ने कंपनी में एक पूरा कॉरपोरेट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन साल 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे देश में अल्कोहल को बैन कर दिया, जबकि यूबी ग्रुप अल्कोहल पर बेस्ड ही बिजनेस करता था।
यूबी ग्रुप को तो प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में आ गया था, जबकि लिकर इंडस्ट्री में दूसरे लोग घबरा गए थे और इसी चक्कर में अब वो अपने सारे एसेट्स बेचने लगे थे, कम दामों में अपनी कंपनियां बेचने लगे थे। जबकि विट्ठल माल्या जानते थे कि कोई भी गवर्नमेंट इस तरीके से शराब को बैन करके सर्वाइव नहीं कर सकती, यानी आने वाले समय में इस पॉलिसी को हटाना होगा और दोबारा शराब अलाउ हो जाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही, आगे चलकर इंडियन गवर्नमेंट ने शराब को दोबारा परमिट कर दिया। लेकिन इसके बीच में जो हुआ उसने विट्ठल माल्या के बिजनेस को कई गुना बढ़ा दिया। शराब के मार्केट में दूसरे ग्रुप जब अपने एसेट्स बेच रहे थे तो विट्ठल माल्या ने उन सभी के एसेट्स कम दामों पर खरीद लिए। सरकार ने जब दोबारा शराब नीति को लागू किया लिकर मार्केट में, तो यूबी ग्रुप देश में सबसे बड़ा ग्रुप बन गया। आपको बता दें कि यूबी ग्रुप केवल अल्कोहल की फील्ड में ही ट्रेड नहीं करता, बल्कि फूड, फार्मा और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी अपने पैसे लगाया था। हालांकि इनका सबसे ज्यादा बेनिफिट अल्कोहल से ही होता था। आगे चलकर विजय और विट्ठल माल्या अपने ऊपर से शराब व्यवसाय होने का टैग हटाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी के पुराने पेपर्स को चेक करना शुरू किया। विजय माल्या ने नोटिस किया कि उनकी कंपनी ने कैसल ब्रोवी ग्रुप नाम की एक कंपनी को टेक ओवर किया था और बाद में इसे बाइंड अप भी कर दिया। लेकिन विजय माल्या को इस कंपनी का किंगफिशर बर्ड बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस कंपनी के लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और अपनी कंपनी की ब्रांडिंग इस नए लोगों के साथ करना शुरू कर दिया। हालांकि विट्ठल माल्या शुरू में इस फैसले के साथ नहीं थे, मगर बाद में विजय माल्या ने अपने पिता को मना लिया। शराब के मार्केट में मोहन मियां किंग गोल्डन ग्रुप उस समय यूबी ग्रुप को अपने प्रोडक्ट के माध्यम से टक्कर दे रहा था। कंपनी ने साल 1978 में किंगफिशर नाम से नए लोगों के साथ अपनी बियर को रीलॉन्च किया। लेकिन उस समय गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्टेट के बाहर पूरे देश में माल बेचना आसान नहीं था, जिसकी वजह से किंगफिशर बियर कुछ स्टेट में ही बिक रही थी। इसे इतने प्रॉफिट की उम्मीद थी उतना ही हो रहा था। साल 1983 में 28 साल के विजय माल्या कंपनी के काम से ही न्यूयॉर्क जाते हैं। उनके जाने के एक दिन बाद 13 अक्टूबर 1983 को विट्ठल माल्या एक पार्टी में थे जहां हार्ट अटैक आने से उनकी जान चली गई। इस खबर को पाकर विजय माल्या तत्काल वापस आए। पिता की मौत के बाद उन्होंने पूरे यूबी ग्रुप की कमान संभाल ली। पुराने टॉप मैनेजमेंट के लोगों को छोड़कर विजय माल्या ने अपने सेंट जेवियर कॉलेज के टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल दोस्तों को अपनी कंपनी में इन्वॉल्व किया, जैसे दीपक आनंद, नरेश मल्होत्रा, आलोक चंद्रा और योगेश देसाई। इन सभी प्रोफेशनल्स पर विजय माल्या काफी भरोसा करते थे। विजय माल्या ने जब बिजनेस को टेक ओवर किया था तो उस समय बिजनेस का टर्नओवर 350 करोड़ का था, जिसका वैल्यूएशन 40 करोड़ का था और 3.5 मिलियन केसेस की बिक्री होती थी। आपको बता दें कि शराब के एक केस में 750 मिलीलीटर की 9 बोतलें हुआ करती थी। विजय माल्या ने जब कंपनी की बैलेंस शीट चेक की तो उन्होंने देखा कि उनका बेसिक प्रॉफिट अल्कोहल से आ रहा था और उसमें भी कैरी पिप्शन सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही थी। ये कंपनी जिनका प्रोडक्ट करती थी, लेकिन ये एक सीजनल ड्रिंक थी जो केवल ऑन सीजन में ही प्रॉफिट देती थी। ऑफ सीजन में बेनिफिट न मिलने के कारण विजय माल्या ने हमेशा चलने वाली विस्की पर फोकस किया। उन्होंने स्प्लेंडर और रॉयल रिजर्व जैसे ब्रांड को काफी तेजी से मार्केट में प्लेस करना शुरू किया, लेकिन ये दोनों ब्रांड मार्केट में फेल हो गए और इस तरह विजय माल्या के डिसीजन पर लोग सवाल उठाने लगे। यहां तक कि उनके यूबी ग्रुप से हट जाने की विवाद होने लगी, पर विजय माल्या ने किंगफिशर ब्रांड के साथ अपना कमबैक किया। दरअसल किंगफिशर ब्रांड की डिमांड साउथ इंडिया में हमेशा रहती थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में यह ब्रांड केवल समर सीजन में ही चलता था, इसलिए नॉर्थ इंडिया की प्रोडक्शन यूनिट बाकी सीजन में बंद रहती थी। विजय माल्या ने इन बंद यूनिट को भी चालू कर दिया और यहां से माल बनाकर साउथ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करते हुए उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को जबरदस्त टक्कर दी। बियर की बोतल की मेकिंग में कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट इन्वेस्ट हो जाता था। इससे बचने के लिए विजय माल्या ने बियर को कैन में सर्व करना शुरू किया। इसके साथ ही इसमें 8% अल्कोहल को ऐड किया। लोगों को बियर के रेट में विस्की मिलने लगी। इसके बाद किंगफिशर की डिमांड बहुत बढ़ गई। साल 1986 में किंगफिशर बियर की सेल ने अपने कॉम्पिटिटर मोहन मियाकिन गोल्ड ब्रांड को पीछे छोड़ दिया। एक बार इंडियन एयरलाइंस की जर्नी के दौरान विजय माल्या की नजर एयर होस्टेस समीरा तैयब जी पर पड़ी। दोनों में आपस में प्यार हुआ और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। 7 मई 1987 को समीर ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। लेकिन इसी साल इन दोनों का तलाक भी हो गया। आगे चलकर विजय माल्या ने किंगफिशर को ब्रांड से आगे बढ़ाकर लोगों की लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर दिया। यंगस्टर्स अब किंगफिशर को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर चुके थे। हमारे देश में अल्कोहल को एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता। विजय माल्या ने इसके लिए एक दूसरा तरीका अपनाया जिसे सैरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। सैरोगेट एडवर्टाइजिंग में ब्रांड नेम सेम होता है मगर प्रोडक्ट दूसरा होता है।
किंगफिशर बियर पहले से ही फेमस थी, लेकिन विजय माल्या ने किंगफिशर सोडा, किंगफिशर वाटर बॉटल इनको भी लॉन्च किया और उसे यंगस्टर्स के बीच परोस दिया। अब भले ही यंगस्टर्स सोडा और वाटर बॉटल को यूज करते हों, लेकिन उनके दिमाग में किंगफिशर बियर ही क्लिक करती थी। इसके अलावा उन्होंने किंगफिशर सोडा और किंगफिशर वाटर बॉटल जैसे प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट्स करना शुरू कर दिया। किंगफिशर के नाम से इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें चारों तरफ किंगफिशर के बैनर पोस्टर लगा करते थे। किंगफिशर अवार्ड भी ऑर्गेनाइज करते थे। कुल मिलाकर यंगस्टर्स के दिमाग में किंगफिशर नाम को पूरी तरह से पेस्ट करने का काम किया गया था। विजय माल्या ने अपने घर का नाम भी किंगफिशर विला रख दिया। साल 1988 में इन्होंने किंगफिशर डर्बी भी शुरू किया। इससे भी बड़ा धमाका तो तब हुआ था जब किंगफिशर स्विमिंग सूट कैलेंडर को लॉन्च किया गया, जिसे अतुल कासबेकर ने शूट किया था। यह कैलेंडर इतना ज्यादा फेमस हुआ कि जो भी मॉडल इस कैलेंडर पर एक बार प्रिंट हो गई, उनका करियर रातों रात आसमान की बुलंदी छूने लगता था। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ जैसी हीरोइनें भी किंगफिशर कैलेंडर गर्ल रह चुकी हैं। किंगफिशर को प्रमोट करने के लिए विजय माल्या ने फॉर्मूला 1 भी ऑर्गेनाइज किया। इन तमाम चीजों का फायदा विजय माल्या के बिजनेस को हुआ। जो बिजनेस उसने 350 करोड़ के टर्नओवर के साथ टेकओवर किया था, आज वही बिजनेस लगभग 6000 करोड़ पर पहुंच गया था। किंगफिशर का नाम पूरी दुनिया में फैल चुका था और 50 देश में किंगफिशर बियर मिलती थी। यहां तक की कहानी काफी हैप्पी हैप्पी रही है। विजय माल्या अपने बिजनेस को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने में सफल रहा है। आगे बिजनेस की दुनिया का ये हीरो कैसे जीरो हो गया और क्यों आज की तारीख में हिंदुस्तान में वांटेड है, इसे हम आगे की वीडियो में जानेंगे। मगर इसके पहले अगर आपने हमारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सके। शराब के व्यवसाय में सरकार की शराब नीति और सरकार के नुमाइंदों के साथ नेताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये पूरा नेक्सस लिकर बिजनेस करने वाले व्यक्ति के फेवर में है तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन अगर सिस्टम उसके खिलाफ है तो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, वो एक छोटा सा शराब का ठेका भी नहीं चला पाएगा। इसलिए अब साल 2002 में विजय माल्या अपनी पॉलिटिकल अप्रोच को यूज करके खुद पॉलिटिशियन बनना चाहता था, ताकि उसके साथ पावर हमेशा रहे। वो अपने इस प्रयास में सफल भी हुआ। कर्नाटक से वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा मेंबर के तौर पर चुना गया, लेकिन उसे कांग्रेस और जनता दल का सपोर्ट मिला। विजय माल्या के पॉलिटिकल कनेक्शंस अब स्ट्रांग होने लगे थे। उन्होंने 15 नवंबर 2004 को अपनी कंपनी के CFO नेदुंगड़ी को बुलवाया और उनसे कहा कि हम अगले साल किंगफिशर एयरलाइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिस्टर नेदुंगड़ी का इस मामले में काफी नेगेटिव रिएक्शन होता है, पर विजय माल्या जिद पर अड़ गए। उन्होंने कई बैंकों में फोन लगाए और बात की, पर बैंकों ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया। तब उन्होंने फैसला किया कि हम बिना बैंक के लोन के ही एयरलाइंस की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलवाई और उस बोर्ड मीटिंग में अपना डिसीजन सबके सामने रख दिया। बोर्ड मेंबर उसके अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी वो 7 मई में 2005 को अपनी एयरलाइन शुरू करना चाहते थे, क्योंकि इसी दिन उनके बेटे सिद्धार्थ का जन्मदिन था। वो अपने बेटे को एक एयरलाइंस गिफ्ट करना चाहते थे। ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर कल्याण गांगुली ने विजय माल्या के इस फैसले से सहमत नहीं थे। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि यह फैसला प्रॉफिट को आग लगाने के बराबर है। उस समय पूरी दुनिया में एयरप्लेन बनाने और सप्लाई करने वाली कंपनी एयरबस के इंडिया CEO किरण राव थे। विजय माल्या ने उनसे बात की और उन्हें एयरबस A320 के 10 एरोप्लेन और A319 के 3 एरोप्लेन का ऑर्डर दे दिया। सारे विरोध को साइडलाइन करके विजय माल्या ने 400 करोड़ रुपए एयरलाइंस में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन इसके बावजूद उनकी एयरलाइंस 7 मई 2005 को लॉन्च नहीं हो सकी। यह लॉन्चिंग 2 दिन डिले हो गई और 9 मई 2005 को सिद्धार्थ माल्या के 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत हुई। इसके साथ ही किंगफिशर एयरलाइंस में जिस तरीके से कस्टमर को फैसिलिटेट किया जाता था, उसके चारों तरफ चर्चे होने लगे। न्यूज मीडिया में खबरें आने लगीं, प्रिंट मीडिया में खबरें पब्लिश होने लगीं। गुड क्वालिटी फूड के साथ साथ कस्टमर के एंटरटेनमेंट के लिए LED स्क्रीन और हेडफोन की भी व्यवस्था थी। इतना नहीं, विजय माल्या खुद इस एयरलाइंस के लिए एयर हॉस्टेस का चुनाव करते थे। कुछ लोग तो इन एयर हॉस्टेस को देखने के लिए ही एयर टिकट बुक करते थे। किंगफिशर एयरलाइंस के लिए एक साल बहुत बढ़िया रहा। Page 3 पर इस एयरलाइंस के चर्चे होने लगे। कंपनी को अवार्ड भी मिल गया। हालांकि जितना इन्वेस्ट किया था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन किंगफिशर एयरलाइन एविएशन की दुनिया में एक ब्रांड के तौर पर एस्टेब्लिश हो गई थी। अब विजय माल्या कुछ और प्लेन लेना चाहते थे। उन्होंने IDBI बैंक से लोन के लिए बात की, लेकिन उन्हें लोन नहीं मिल पाया, तो उन्होंने एक बार फिर खुद का पैसा लगाने का डिसीजन लिया। वो इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करना चाहते थे, लेकिन रूल्स के मुताबिक कम से कम 5 साल उन्हें डोमेस्टिक फ्लाइट को ऑपरेट करना था। इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि उस समय मार्केट में एयर डेक्कन एयरलाइन भी चलती थी, जो बहुत ही कम से कम रेट पर थी।
कम से कम सुविधाओं में लोगों का समय हो गया था। कई बार तो एयर डेक्कन के हवाई जहाज का टिकट 500 रुपए तक भी होता था। प्लेन में दो टॉयलेट की जगह एक टॉयलेट करके वहां भी उन्होंने सीट को एडजस्ट कर दिया था। मिस्टर जी गोपीनाथ इस एयरलाइन का संचालन करते थे, लेकिन उनके इस रवैये से एविएशन इंडस्ट्री के दूसरे खिलाड़ी भी परेशान थे। विजय माल्या ने सोचा कि इस एयरलाइन को खरीद लिया जाए। उन्होंने बिना बैलेंस शीट चेक किए डेक्कन एयरलाइंस को टेक ओवर कर लिया। इतना ही नहीं, दूसरे एयरलाइंस से कर्मचारियों को 75% सैलरी बढ़ाकर देने का वादा करके अपने यहाँ काम पर रख लिया। एयर डेक्कन का नाम अब किंग फिशर रेड हो गया था। वो अपने हिसाब से सुविधाएं देते थे। फ्लाइट की टिकट भी शुरुआत में उन्होंने कम रखी थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी इस एयरलाइंस के टिकट के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, जिसकी वजह से वो फ्लाइट्स जो कम रेट पर ट्रैवल कर लेते थे वो किंग फिशर से हटकर अब दूसरी एयरलाइंस का ऑप्शन तलाश करने लगे। कुल मिलाकर किंगफिशर एयरलाइंस ने जितनी जल्दी अपने आप को बढ़ाना चाहा उसके चक्कर में खर्चे ज्यादा हो गए और ये एयरलाइंस कभी प्रॉफिट में नहीं रही। साल 2008 से विजय माल्या और किंगफिशर की मुसीबतें बढ़ना चालू हो गईं। अब विजय माल्या ने बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया था और बैंकों ने भी उसे उसके ब्रांड वैल्यू को देखते हुए लोन दिया। इसके लिए SBI को केंद्र बनाकर बैंकों का एक ग्रुप बनाया गया, जिसे कंसोर्डियम कहा जाता है। विजय माल्या को कंसोर्डियम लोन दिया गया। विजय माल्या ने लोन के पैसों का इस्तेमाल नए प्लेन को खरीदने के लिए किया। इसके साथ ही वो लोन की रीपेमेंट, एयरपोर्ट का चार्ज, कैटरिंग के बिल, फ्यूल कंपनियों के बिल के साथ साथ फाइनली अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को भी होल्ड पर रख दिया। इतना ही नहीं, इसके ऊपर गवर्नमेंट का 150 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था, वो भी इसने नहीं भरा। लेकिन इसके बावजूद अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस को यूज करते हुए इसने बैंकों से लगभग 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से विजय माल्या दूसरी बार भी राज्यसभा सांसद बन गया। इसने अपने वेंडर्स को जो चेक दिए थे वो तमाम चेक बाउंस हो गए। कंपनी के ऊपर चेक बाउंस के केस लगने लगे, लेकिन विजय माल्या की मौज मस्ती और अय्याशियों में कोई कमी नहीं आई। जब वो अपने पर्सनल प्लेन से ट्रैवल करता था तो करोड़ों के कुत्ते उसके साथ होते थे। करोड़ों रुपए अपने बर्थडे की पार्टी में फूंक देता था। ये तमाम खबरें जब मीडिया में पब्लिश होती थी तो ये उन लोगों के जले पर नमक छिड़कने के बराबर होता था जिनका पैसा लेकर वो बैठा था। CBI ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लिए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, लेकिन इसी से विजय माल्या ने अपने प्रभाव से इसे चेंज करवा दिया और 3 मार्च 2016 को जेट एयरवेज की फ्लाइट से UK के लिए रवाना हो गया। वो अपने साथ 55 सूटकेस और अपनी एक फीमेल फ्रेंड को भी लेकर गया था। तब से लेकर आज तक इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन बैंक विजय माल्या से पैसों की रिकवरी के लिए केस लड़ रहे हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।